अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे आप सबका। आई होप आप सब ठीक हो फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं साथ में एक नया रेसिपी लेकर फ्रेंड आगे बनाने वाली हूँ शाही मटर पनीर, वो भी अपने तरीके से। देखिए मैंने कढ़ाई भी मैंने तेल को रख लिया है। अब मैं इसमें ये मेरे देखिए मैंने बड़े में मैंने दो मीडियम में मेरे प्याज काट के रख लिया है, उसमें डाल देना है। और हाँ फ्रेंड, ये देखिए मैंने ये लहसुन और अदरक एक टुकड़ा लिया है, ये मैंने काजू लिया है। इसमें अदरक को खड़े निकाल लेती हूँ। अदरक इसमें नहीं डालना है, इसमें ऐड में डालूंगी, उसको इसमें डाल देना है। हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने ये लौंग और इलायची मैंने लिया है, ये दालचीनी टुकड़ा लिया, इसमें डाल देना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसको लेके मैंने फिर खड़ा लिया है जीरा और गोल मिर्च, इसको इसमें ऐड कर देना है। और यह मैंने बड़े मीडियम मैंने टमाटर ले लिया, इसे ऐड कर देना है। इन सबको चला के इसके आपको कच्चा में से हरी आता तो उसको ज़्यादा उसको आपको भूनना नहीं है। और हाँ फ्रेंड, ये मैंने साबुत धनिया लिया है, इसे ऐड कर देना है। और ये मैंने दो लाल मिर्च लिया है, अब जितना तीखा खाते उतने हिसाब से उसमें डाल लिया। और इन सबको आपको भून लेना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसे आप निकाल लेंगे बाहर। हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने ये मैंने खसखस को रखा है भून के, तो इस खसखस को इसमें मसाज में ये ऐड करके पीस देना है। हाँ देखिए फ्रेंड, ये भून चुका है, देखिए इसका कच्चापन हट चुका है। देखिए और इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में पूरा फाइन पेस्ट से बना लो। हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने इसको निकाल लिया, इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर पीसना है इसको। हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने कढ़ाई से निकाल लिया, फिर कढ़ाई में तेल में तेल डाल दिया है 1 चम्मच के लगभग। मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ करीबन 1 चम्मच, छोटा चम्मच से। और ये मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, इसमें गरम मसाला डाल दे रही हूँ। सब कुछ इसको अच्छे तो लाइट ब्राउन करना है। हाँ देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। ऐसे मटर हम ऐसे डालकर उसमें थोड़ा पक जाएगा। अब मैं ऐसे में नमक ऐड कर रही हूँ करीबन 1 चम्मच के लगभग। थोड़ा खा ले लेते हैं, अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिएगा नमक, तो मिला देना है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, सर मैंने ग्राइंडर में डाल लिया। ये मैंने अदरक जो रखा था टुकड़ा, उसको ये काट के इसमें डाल देना है। और ये देखिए मैंने लिया है खसखस, उसको स्मैट कर देना है। इन सबको फ्रेंड पेस्ट बना लेना है। और मैं इसे थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। इन सबको फाइन पेस्ट बना लेना फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने कितना अच्छा फाइन पेस्ट इसका हो चुका है। आप अपना आपको इसको फाइन पेस्ट बनाना है। हाँ देखिए फिर मटर भी हो चुका है। अब मैं इसमें पेस्ट को डाल दूँगी जो मैंने पीछे रखा है। अब इस मटर में ये पेस्ट को भून लेना है, 5 से 10 मिनट को भूनना है फ्रेंड्स को। इससे हमारा मटर ही भून जाएगा और हमारा मसाला ही भून जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताया फ्रेंड्स शाही मटर पनीर, ये मेरे तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई करें अपने घर में आप। हाँ देखिए फ्रेंड, मैं शाही मटर पनीर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, से आप जरूर ट्राई करें फ्रेंड। ये पराठा के साथ आज मेरे से बनाने वाले बच्चे लोग के लिए, ये पराठा का बहुत मज़ा आता है। आप शायद इसे पूरे साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड। ये जो बना के वो ट्राई करें। इसे 5-10 मिनट आपको ऐसे वो भुनना होगा ऐसे। हाँ फ्रेंड, देखिए ये भून चुका है। देखिए इसे तेल भी साइड पर छोड़ रहा है इसको। अब मैं इसे पनीर भी इसको ऐड करूँगी थोड़ी देर में और एकदम इसको भून लें। और आपको रेसिपी मेरा पसंद है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट से बताएं आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। ऐसे आपको नया नया रेसिपी मैं आपके सामने लाऊँगी अच्छी अच्छी से, इसे बना के अपने घर में सर्व करिएगा। हाँ देखिए फ्रेंड, ये अच्छी तरीके से भून चुका है। देखिए सब साइड से तेल छोड़ चुका है, इसका हमारा मसाला भून चुका है।
नीचे अब मैं थोड़ा मक्खन ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो नहीं कर सकते हैं। मक्खन देने से हमारा रेसिपी और इसका स्वाद और थोड़ा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं देखिए थोड़ा सा। मैं इसमें चम्मच के लगभग भी उसकी चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर चाहे जैसे आपको पसंद अब डाली से स्वाद बढ़ जाएगा आपका मटर पनीर का। अब मैं इसे पनीर ऐड कर देती हूँ। करीब मैंने 400 लगभग पनीर लिया था, मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने इसे फ्राई नहीं किया फ्रेंड, आप चाहे जैसे फ्राई करके भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने फ्राई नहीं किया पनीर को, मैंने ऐसे डाला, इससे इसका स्वाद और अच्छा लगता है खाने में। इसे 5 मिनट अभी ऐसे छोड़ दें, उसके बाद आपका मटर पनीर, शाही मटर पनीर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे पराठा पूड़ी के साथ आपको सर्व करें, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आया प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आपके पास आपकी ही सब्सक्राइब करने से आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आगे उम्मीद है कि आप और मुझे और प्रोत्साहन करेंगे आगे बढ़ने के लिए। फिर आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।